नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज। एक ताला आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर और ये ताला टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं काटा गया है इसे, दोनों ताले बुरे तरीके से काटे गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें ये एक एटीएम के ताले हैं, जो कि एटीएम आप देख सकते हैं एसबीआई की ब्रांच का, एसबीआई बैंक के साथ में पड़ने वाले एटीएम का। और यहाँ पर जो एटीएम मशीन है वो भी आप देख सकते हैं कि एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर अपने साथ चोर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एटीएम की मशीन ही मौके पर मौजूद नहीं है। और किस तरीके से ये पूरा जो है वाकया हुआ है, यहाँ पर फिलहाल एक गार्ड भी है, उससे जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की वारदातें काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही हैं, हालांकि देखने में कम मिलती हैं लेकिन लगातार बढ़ रही हैं। और यहाँ पर मौके पर जो गार्ड है उससे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम वंश है। तो ये मतलब कब हुआ है ये वाक्य, मतलब कैसे कब? सर ये रात की वारदात है, किसी चोरों ने रात को अंजाम दिया इस वारदात को। अच्छा, तो सर यही कहूँगा कि हमारे पहले भी चोरी हुई है यहाँ पर, पहले भी हो चुकी है, बैटरियों की चोरी हुई है सर। बैटरियों की हुई है सर। रात के कितने बजे का है, मतलब सीसी कैमरा वगैरह का भी क्या? सर मैंने तो 9 बजे लॉक कर दिया था। मेरी होती है यहाँ पे दिन की ड्यूटी होती है सर। दिन की होती है? जी मेरी दिन की ड्यूटी होती है सर यहाँ पे। तो रात को ये बंद था, मतलब रात को नॉर्मली हम बंद कर देते हैं सर। हाँ बंद कर देते हैं सर हम। ठीक है, तो ये अभी मतलब कितना, मतलब मशीन ही उखाड़ के ले गए तो क्या बता रहे हैं कि कितना अमाउंट था इसके अंदर, कोई अभी बताया? अमाउंट क्लियर नहीं है सर अभी। क्लियर नहीं है अभी, क्लियर नहीं है सर अमाउंट। तो यहाँ पर आपको पहले जो है दिखा देते हैं, जो एसबीआई ब्रांच है आपको दिखा दें ऊपर की तरफ, जो एसबीआई ब्रांच है, और बता दें कि ये नमस्ते चौक के पास ही पड़ती है। बिल्कुल आपको बता दें, मीरा घाटी और नमस्ते चौक के बिल्कुल बीच में पड़ती है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर किस तरीके से प्रयास किया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूरी की पूरी जो है यहाँ पर किस तरीके से, ये जो एसीपी होती है जो फ्रंट की, इसे भी यहाँ पर तोड़ा गया है। और यहाँ पर इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरी की पूरी जो मशीन है वही साथ के साथ जो है उखाड़ ली गई है। यानी कि पहले तो मशीन को तोड़ा जाता था लेकिन अब मशीन को उखाड़ कर ही जो है साथ के साथ लेके जा चुके हैं। और अभी फिलहाल देख सकते हैं कि शायद एसी को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर फिलहाल आपसे प्लीज वीडियो को शेयर करें, जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं दो दो तीन तीन चोरी की गई है, इसके अंदर फिलहाल कितना अमाउंट जो था उस एटीएम के अंदर, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है उसे भी यहाँ पर देखा जाएगा, उससे भी ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कौन लोग थे। आप देख लीजिए दो ताले हैं, ये दोनों ताले ये देख लीजिए, और यहाँ पर जो है ताले भी जो है अच्छे खासे आप देख सकते हैं, किसी हाईफाई कंपनी के ताले लगाए गए हैं लेकिन उन्हें बड़ी आराम से काट कर जो है चोर ले जाते हैं। और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, हालांकि जो यहाँ पे गार्ड है जिसकी दिन में ड्यूटी होती है उससे हमने बात करने का प्रयास किया, जो रात को वैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर एटीएम में ताले लगाए गए थे, यानी एटीएम ओपन नहीं था। एसबीआई एटीएम के अंदर बड़ी वारदात, जो कि एक एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाया जाता है, तो पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए सीसीटीवी कैमरा जो है उसका भी रुख मोड़ दिया गया, अगर आप इधर देख सकते हैं तो सीसीटीवी कैमरा भी साइड की तरफ जो है उसका रुख मोड़ दिया गया। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो तारे हैं, आपको तार दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है तार भी अंदर से कहीं ना कहीं या तो काटी हुई है, और इसके अलावा जो चेहरा है कैमरे का वो सबसे पहले मोड़ दिया गया ताकि कुछ भी पता ना चल पाए। और सामने की तरफ भी जो कैमरा है वो देख लीजिए, जो कैमरा है वो लगा नहीं हुआ है, उसको भी किसी तरीके से उसके ऊपर कुछ लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं शायद काला स्प्रे उस पर किया गया है कैमरे के ऊपर, सीसीटीवी कैमरे पर काला स्प्रे कर दिया गया ताकि कोई देख ना पाए। आप देख सकते हैं यानी कि जो चोर हैं वो किस तरीके से शातिर तरीके से ये चोरी करते हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उनके बारे में जानकारी लग पाती है। फिलहाल चल रही है, सीसीटीवी कैमरेज को हम खंगाल रहे हैं, और 3 बजे से लेकर 4 बजे के अभी सिर्फ हमें यह पता लगा है, 3 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे के बीच की घटना है। और उसके बाद कौन बंदा है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे के, हम जैसे ही कुछ पता लगता है वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन। तो कुछ पैसे वगैरह थे इसके अंदर? सर वो एक्चुअली आउटसोर्स जो एजेंसी है उसके पास ही जो है जो एटीएम है, तो जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन। सीसीटीवी में कुछ नजर आया है सर?
सीसीटीवी में भी अब हमें ये पता लगा कि सवेरे 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच ही घटना है। कितने एक लोग आए हैं सर? अभी है कि बंदा आइडेंटिफाई हुआ है। सर आपका तो बैंक भी है और एटीएम मशीन भी है, सुरक्षा कर्मचारी फिर भी नहीं है जबकि हिदायत होती है। सुरक्षा कर्मचारी है सर, उसकी ड्यूटी है नाइट की, उसको ऑफ है। नाइट की ड्यूटी जो है पुलिस की है। तो पीसीआर वैन 3:15 बजे तक सवेरे थी जैसा कि बताया गया। सर मेन तो रात की ही सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, पुलिस पीसीआर तो आपके बैंक के आगे तो नहीं खड़ी रहेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको थोड़ी देर देते हैं जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन। नाइट को ऑफ करते हैं सर। कितना डिप्टी ब्रांच मैनेजर सर एटीएम में कितना अमाउंट ब्रांच मैनेजर है आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक। यहां पर जो है फिलहाल जो आपने देखा है एसबीआई ब्रांच के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी है अभी फिलहाल आगे जो है खंगाला जाएगा सीसीटीवी कैमरे से अगर कोई जानकारी लग पाती है। हालांकि बाहर की तरफ भी देख लीजिए वो सामने की तरफ क्योंकि जो आसपास का ही कोई सीसीटीवी कैमरा देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी ये देख लीजिए कि बड़ा कैमरा भी लगा हुआ है इसका भी जो रुख है वो आसमान की तरफ कर दिया गया है। यानी कि फिलहाल यहाँ पर एक और जो सीसीटीवी है ये फिलहाल सामने की तरफ देखा जा सकता है। अब इसके बारे में क्या कुछ पता लग पाता है, क्या इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल बता रहे हैं काफ़ी बड़ी जो रकम है वो इसके अंदर जो है एटीएम के अंदर हो सकती है। और अभी इधर देख लीजिए ये कुछ टुकड़े हैं जो कि फ्रंट की जो ये आपने देखा है कि फ्रंट पे जो एसीपी लगी होती है ये उसके कुछ टुकड़े हैं जो यहाँ पर टूटे हुए पाए गए हैं आप देख सकते हैं। और अभी फिलहाल बता दें करनाल के नमस्ते चौक के पास पड़ने वाली एसबीआई की ये ब्रांच के बाहर खड़े हैं जहाँ पर चोरों ने रात के समय में एटीएम के ऊपर हाथ जो है साफ कर दिया। और हाथ साफ करना तो क्या, एटीएम की मशीन को ही उखाड़ कर ले गए हैं। आपको फिर से दिखा दें तो एटीएम की मशीन को ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो है कितनी उसमें रकम थी इसके बारे में भी कोई जानकारी जो अभी तक नहीं मिल पाई है। एसएचओ सिटी जो है पहुँचे हैं तो पूरी मशीन ले गई एटीएम मशीन तो लाखों रुपए बताए जा रहे हैं उसमें। तो पहले भी ऐसी लूट की वार जाते हैं देख सकते हैं पुलिस की। तो फिलहाल जो है फिलहाल पुलिस जो है नज़दीकी सिटी थाने से जो है पहुंचते हैं सिटी थाने के इलाके में जो है ये आता है। और यहाँ पर जो है आपको बता दें जो कैमराज हैं जितने भी जो कैमराज हैं उनके ऊपर ब्लैक स्प्रे किया गया है। कुछ कैमराज पे ब्लैक स्प्रे किया गया है, कुछ का रुख मोड़ दिया गया है। ये देख लीजिए बिल्कुल काले आपको दिख रहे होंगे फ्रंट से, तो ये इन पर काला स्प्रे किया गया है ताकि कुछ भी पता ना लग पाए। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो है सीसीटीवी के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से कैद नहीं हो सकती क्योंकि चोर बदमाश जो हैं वो अब जिस तरीके से तेज़ हो चुके हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं बड़े शातिर तरीके से। और यहां पर जो दूसरा जो दो कैमरे अंदर हैं, एक कैमरा यहां पर है जो आप देख सकते हैं इसका रुख मोड़ा गया है। फिलहाल एक कैमरा जो है अभी सामने देखा जा सकता है, या तो उनकी ये नज़र में नहीं आया या फिर इसकी कोई तार काटी है तो ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ तारें यहाँ कटी हुई दिख भी रही हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ कटी हुई तारें दिख रही हैं। हालांकि ये किसकी हैं फिलहाल बताना मुश्किल है। और एक बड़ा कैमरा जो मेन कैमरा ब्रांच के बाहर लगा हुआ है ये भी इसका रुख आसमान की तरफ कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हौसले कितने ज़्यादा बुलंद है कि चोरों ने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके की सिक्योरिटी थी यहाँ। हालांकि सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, रात के समय क्या यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हुई है इस वारदात को करने के लिए तो शोर शराबा जो है ज़रूर होता है क्योंकि काफ़ी हैवी लॉक्स जो है यहाँ पर लगाए गए और 2 लॉक्स लगाए गए थे काफ़ी अच्छी कंपनी के जो हमने देखा है लॉक्स लगे हुए हैं। उनको तोड़ने के लिए काटने के लिए समय लग सकता था लेकिन फिलहाल क्यों पता नहीं लग पाया ये तो देखने वाली बात होगी। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, एटीएम से पैसे चोरी करने की वारदातें तो ज़्यादातर आती हैं लेकिन पूरा एटीएम उठाने की जो है वो काफ़ी कम वारदातें होती है। और उन्हीं में से एक वारदात फिर से करनाल के नमस्ते चौक के पास पड़ने वाली एसबीआई ब्रांच के अंदर देखा गया जहाँ पर बाहर बने हुए एटीएम से को एटीएम को ही चोर अपने साथ में ले गए। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हालांकि रकम जो है वो अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लग पाया है लेकिन लाखों रुपए की रकम हो सकती है क्योंकि एटीएम में काफ़ी जो है बताया जा रहा है काफ़ी पैसे थे। फिलहाल जो है कर्मचारी उनसे बात हुई और आगे पुलिस तफ्तीश करने के लिए पहुँचेगी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।